गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू TSN क्लास 6 साइंस सेशन. सो वी आर एट चैप्टर 14 विच इज़ वाटर, एंड टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, वेयर वी यूज वाटर, सॉरी वाटर साइकिल, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट दैट इज ट्रांसपिरेशन, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग बैक टू द ओशन. सो हमने इस चीज़ में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था कि ओशंस पे पानी वापस कैसे जाता है, क्योंकि जो लेवल है लैंड का वो ओशन के लेवल से थोड़ा सा ऊपर है. तो जो एक्सेस वाटर होता है वो ग्राउंड लेवल में आ जाता है. ग्राउंड लेवल जो नीचे वाला पानी है, ग्राउंड वाटर बोलते हैं हम उन्हें, वही हैंडपम्प वगैरह में हम पानी यूज़ करते हैं. तो जो ग्राउंड वाटर होता है वो जब एक्सेस में हो जाता है तो थोड़ा लेक्स और पॉन्ड्स में भी भर जाता है, वेल्स भी उसी से भरते हैं. सो वी आर एट द लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 141 राइट हैंड साइड. Paheli wants to share a concern with you. In these areas where the land has little or no vegetation, the rainwater flows away quickly. Paheli ने ये चीज़ बताई कि, या फिर हमें भी ये चीज़ पता है कि जहाँ पे वेजिटेशन नहीं उगता, जहाँ पे प्लांट्स ग्रो नहीं होते, वहाँ पे क्या होता है, जो सॉइल होता है बहुत आराम से क्या करता है, पानी अपना लॉस कर देता है. ठीक है, अब पानी लॉस क्यों करता है, क्योंकि रूट्स नहीं है ना, रूट्स नहीं है उस पानी को पकड़ने के लिए. जो मिट्टी होती है, अगर उसके अंदर रूट्स ही नहीं होंगी तो पानी और जो मिट्टी है वो क्या करेगी, आराम से फ्लो हो जाएगी. फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक्स द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल अवे फ्रॉम इट. क्या होता है, जब पानी गिरा वो नीचे जा ही नहीं पा रहा, रूट्स वगैरह है ही नहीं पानी लेने के लिए, तो क्या होगा, वो बहने लगेगा, फ्लोट होगा. फ्लोट के साथ क्या होगा, ऊपर की जो सॉइल की फर्स्ट लेयर है, पानी अपने साथ उस फर्स्ट लेयर को भी साथ में ले जाएगा, क्योंकि रूट्स नहीं है ना उस सॉइल को पकड़ने के लिए. ठीक है, तो सॉइल इरोजन भी बहुत ज्यादा होता है. देयर आर फ्यू एरियाज वेयर मोस्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड विद कॉन्क्रीट. कई सारे ऐसे एरियाज हैं, जैसे हमारे घर में भी आप देखेंगे, कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे क्या है, कॉन्क्रीट है, मिट्टी नहीं है, सीमेंट या कॉन्क्रीट से वो बना हुआ है या कवर हो रखा है. दिस रिड्यूस द सीपेज ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड विच अल्टीमेटली अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर. क्या होता है, पहले अगर हम एक सबसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम लोग 10 फिट की जगह है कोई, 10 फिट की, उस 10 फिट की जगह में क्या होगा, जब तक मिट्टी है तो क्या होगा, वो 10 फिट की पूरी स्पेस क्या करेगी, पानी अंदर लेती रहेगी. सी, अंदर जाता जाएगा, ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ता जाएगा. लेकिन अगर हम उसमें से 5 फिट हमने सीमेंट वाला कर दिया और 5 फिट हमारे पास नॉर्मल कच्चा घर है या कच्चा एरिया है, तो क्या होगा, जो एरिया है, सरफेस एरिया जहाँ से मिट्टी अंदर, पानी अंदर जाना था मिट्टी में, उसमें क्या हुआ, हाफ तो वो हो गया सीमेंटेड और हाफ क्या हो गया स्टूडेंट्स, नॉर्मल कच्चा प्लेस या एरिया. अब क्या होगा, यहाँ पे जो 5 फुट का एरिया है उसी में ही मिट्टी पानी अंदर सोक करेगा, लेकिन जो 5 फुट वाला एरिया था जहाँ पे पहले सोक कर रहा था वो क्या हो गया, अब सीमेंटेड हो गया. इस वजह से क्या हो गया, सीपेज एरिया जो है रेन वाटर का ग्राउंड लेवल में जाने का, वो क्या हो गया, कम हो गया. ओके, सो वी आर एट पेज नंबर 142 लेफ्ट हैंड साइड. We now know that water brought back to the surface of the earth by rain, hail or snow goes back to ocean. Thus, water from the ocean and surface of the earth goes into the air as vapor, return as rain, hail or snow, and finally goes back to the ocean. The circulation of water in this manner is known as water cycle. Students, क्या है, जो water हम first line देख रहे, the water is brought back to the surface of the earth by the rain, hail or snow goes back to ocean. वो ocean में जाता है. फिर क्या होता है, ocean या water की कोई भी water body है, उससे क्या होगा, उसकी surface या earth की surface से जो पानी है वापस वो air में चला जाता है. किस form में, vapor form में. किसके through, evaporation के through. ठीक है, अब वो air में है, वो क्या करेगा, वापस return हो जाएगा. किस form में, rain, hail और snow. ठीक है, और वो फाइनली वापस किस में जाएगा, ओशन में. तो ये पूरी एक साइकिल चलती रहती है. जैसे आप इसमें देख रहे हो नीचे वाला क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, अब आप पूरा आराम से तसल्ली से देखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे पानी है. पानी क्या हुआ, वेपर फॉर्म में ऊपर गया एयर के अंदर. क्या हुआ, ये एयर में जाते ही यहाँ से भी जा रहा है, ठीक है, ओशन से भी जा रहा है, लेक से भी जा रहा है. फाइनली क्या हो रहा है, बादल बन रहा है, और वो बादल क्या बन के बरस रहा है, रेन. ठीक है, रेन बन के आ रहा है. ये क्या है,
वेपर। तो वेपर से रेन और रेन से वेपर वाला पूरा जो कॉम्बिनेशन चलता है ये ही कहलाता है वाटर साइकिल। ओके, सो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नोन एज वाटर साइकिल। आप ये पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पर डबल टिक कर लें। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये पूरा एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि अगर रेन हो रही है तो वेपर्स नहीं होंगी, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा सर्कुलेशन एक कंटिन्यूस चलता रहता है। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, दिस मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड। ये जो वाटर का सप्लाई है ना लैंड पे, ये इसी के थ्रू चलता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने थोड़ा बहुत इस चीज़ पर डिस्कस किया है जो कि था बैक टू ओशन एंड क्या बोलते वाटर साइकिल। तो हमने जो ये चीज़ डिस्कस करी है, आप इस वाटर साइकिल वाली लाइन को प्लीज़ अंडरलाइन कर लें, वाटर साइकिल डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इफ इट रेन्स हैवीली, क्या होगा अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो क्या सिचुएशंस होगी, हम अब डिस्कस करेंगे। इन द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, सॉरी प्लेस टू प्लेस। तो क्या होता है, जो टाइम या ड्यूरेशन है बारिश का वो एरिया एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे बैंगलोर है वहाँ पे बेसिकली बारिश थोड़ी ज़्यादा होती है, मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। जैसे मुंबई हो गया वहाँ पे बारिश थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन हमारा जो एरिया राजस्थान वाला या सहारा डेजर्ट ये जो एरिया है यहाँ पे क्या होता है, इतनी बारिश नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे बारिश भी कम होती है और बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होती है। इन सम पार्ट्स ऑफ द एरिया इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर वाइल देर आर प्लेसेस वेयर इट रेन्स ओनली अ फ्यू डेज। कुछ हमारे जैसे हमारे राजस्थान में है कुछ महीने बारिश होती है और कुछ महीने में भी पूरे महीने बारिश नहीं होती, सिर्फ कुछ दिन बारिश होती है और कुछ दिन सूखा, ऑलमोस्ट पूरा साल सूखा रहता है। लेकिन कई ऐसी प्लेसेस है जैसे मुंबई हो गई या ऐसी प्लेसेस जहाँ पे पूरे साल बारिश होती है या ऑलमोस्ट होती है, जैसे साउथ का एरिया है वहाँ पे ज़्यादातर टेम्परेचर चेंजेस नहीं होते हैं, जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है वही टेम्परेचर पूरे साल रहता है। सो वी आर At the right side of page number 142, in our country, most of the rainfall occur during the monsoon season. हमारा जो country है उसमें क्या होता है, ज़्यादातर बारिश monsoon season में ही आती है। Rains bring relief, especially after hot summer days. The sowing of many crops depend on the arrival of monsoon. जो rainfall होती है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा गर्मियों के दिनों बाद बारिश होती है, गर्मियों के दिनों के बाद बारिश स्टार्ट होती है हमारे यहाँ पे, हमारी कंट्री में। और जो काफ़ी सारे ऐसे क्रॉप्स हैं वो क्रॉप किस बेसिस पे, मतलब उनको जब हम लोग क्रॉप को लगाते हैं तो हम मॉनसून के बेसिस पे लगाते हैं कि मॉनसून कब आएगा, क्या टाइमिंग रहेगा, किस हिसाब से मॉनसून आएगा। हर साल हम अपने हिसाब से जैसे जिस मंथ मॉनसून होता है हम उस बेसिस पे लगा देते हैं, जिसको ज़्यादा पानी चाहिए वो मॉनसून के बेसिस पे या मॉनसून के एरियाज में लगाते हैं क्रॉप अपना, और जिसको कम पानी चाहिए वो विंटर्स के या मॉनसून खत्म होने के बाद लगा देते हैं अपनी क्रॉप। हाउएवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल मे लीड टू मेनी प्रॉब्लम्स। हमने ये चीज़ तो देख ली कि रेनफॉल से क्या होता है, लेकिन एक्सेस ऑफ रेनफॉल से क्या होता है वो अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हैवी रेन मे लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर लेक्स एंड पॉन्ड्स। हैवी रेन से क्या होगा, सबसे पहली चीज़ जो रेनफॉल होता है तो पानी जाता कहाँ है, पॉन्ड्स लेक्स रिवर्स यहीं जाता है। अब क्या होगा, हैवी बारिश होगी तो भी पानी सारा वहीं जाएगा। ठीक है, दिस द वाटर मे देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज कॉजिंग फ्लड। क्या होगा, इतना ज़्यादा पानी आ जाएगा कि लेक्स और पॉन्ड्स जो हैं वो इतना पानी उसमें एरिया नहीं है, और उस वजह से क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, फ्लड आ जाएगा। द क्रॉप फील्ड्स फॉरेस्ट विलेजेस एंड सिटीज मे गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर। कई सारी ऐसी जगह है, इनफैक्ट ये ज़रूरी नहीं है कि कोई सिटीज़ ही जाएँ, फॉरेस्ट भी या फील्ड्स विलेजेस ये सब भी क्या करते हैं, पानी के अंदर डूब जाते हैं, समर्ज हो जाते हैं फ्लड की वजह से। इन आर कंट्री फ्लड कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप डोमेस्टिक एनिमल्स प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। हमारी कंट्री में क्या होता है, फ्लड जो आता है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, एक्सेसिव डैमेज करता है क्रॉप्स को, डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब जिनको हम पालते हैं, हमारे जो पालतू जानवर होते हैं वो, जैसे हमने कैटल्स, भेड़ हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, तो ये सारी जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं इनको हार्म करता है
प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। प्रॉपर्टी भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं या लैंड एरिया ख़त्म हो जाता है, पानी भर जाता है सब जगह, और ह्यूमन लाइफ, कई सारे लोगों की भी डेथ हो जाती है। जैसे अभी हमने केदारनाथ, जो 2-3 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था केदारनाथ वाला, उसमें क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा एरिया डैमेज हुआ था, काफ़ी ज़्यादा लोगों की जाने गई थी, ठीक है। तो हमें ह्यूमन लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। ड्यूरिंग फ्लड द एनिमल लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरीड अवे विद द वाटर। क्या होता है, जो फ्लड आता है उसमें क्या होता है, काफ़ी सारे जो एनिमल्स पानी में रहते हैं वो क्या होते हैं, कैरीड अवे हो जाते हैं वाटर के साथ बहने लग जाते हैं। जैसे अगर कोई फिशेज हैं वो स्पेसिफिक एरिया में रहती हैं या उस वाटर बॉडी में रहती हैं, तो क्या होगा, जैसे ही फ्लड आएगा तो पानी के साथ वो फिशेज भी चली जाएंगी। दे ऑफन गेट ट्रैप्ड ऑन द लैंड एरियाज एंड डाई व्हेन फ्लड वाटर रिसीड्स। क्या होता है, जो फिशेज अगर पानी के साथ बह रही है तब तक तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जब लैंड एरिया, अब फ्लड आएगा तो लैंड एरिया में पानी भरेगा, फिर क्या होगा, थोड़े टाइम बाद जब वो पानी हट जाएगा या ख़त्म हो जाएगा या रिसीड हो जाएगा, तो क्या होगा, वो जो एनिमल्स हैं वो लैंड पे ही रह जाएंगे, और वाटर एनिमल्स लैंड पे सर्वाइव नहीं कर सकते, इस वजह से उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। रेन्स ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल लिविंग इन द सॉयल। काफ़ी सारे जो एनिमल्स, अब ऑब्वियसली हम लोग लैंड के ऊपर रहते हैं तो ही हमें अफेक्ट हो रहा है, तो सोचिए आप, जो एनिमल्स जो लैंड के अंदर रहते हैं वहाँ पानी भर जाएगा तो उनकी लाइफ को तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली की तो बात ही नहीं है, डायरेक्टली ही काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, हाउ टू कंजर्व वाटर। हम वाटर, अब हमें ये पता चल गया कि वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम पानी हुआ तो क्या होगा, तो हमें वाटर को क्या करना है, स्टोर करना है और काफ़ी ज़्यादा किफ़ायत से यूज़ करना है, कंजर्व करना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सेशन में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क इन योर कॉपीज, वील बी चेकिंग योर कॉपी ऑन 16th of December, एंड टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स, थैंक यू।